हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धरती आबा के उपनाम से विख्यात बिरसा भगवान यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में देखेंगे और संकेत बिंदु हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिरसा मुंडा के बारे में भूमिका को देखेंगे, उसके बाद बाल्यावस्था एवं शिक्षा, फिर कार्यक्षेत्र, उसके बाद अंग्रेजों से संघर्ष और अंतिम में हम लोग देखेंगे उपसंहार को। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। भूमिका में हम लोग पढ़े कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची, उस रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है और उस समुदाय का नाम है मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय के लोग जो हैं वो मुंडारी भाषा बोलते हैं और बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे और इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड, कौन सा प्रखंड, अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। कब हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म, तो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा का जन्म बहुत सारे बुक में रांची जिला ना होकर के खूंटी जिला मिलेगा। खूंटी जिला भी सही है और रांची जिला भी सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समय बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, उस समय खूंटी जिला जो था वो रांची जिला का ही एक भाग था। 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला रांची जिला को विभाजित करके बनाया गया था। डेट आप लोग याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007। 12 सितंबर 2007 एक ऐसा तिथि है जिस दिन रांची जिला से खूंटी जिला जो है वो अलग हुआ था और टोटल उसमें 6 प्रखंड थे। खूंटी जिला जो है वो रांची जिला से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा था और उनकी माता का नाम था कर्मी मुंडा, और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाल्यावस्था एवं शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईवासा के मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे, अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन चाईवासा के मध्य विद्यालय में हुआ था। ये बिरसा मुंडा जो हैं वो गरीबी के कारण ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और ये बचपन से क्रांतिकारी विचारों के बालक रहे। बिरसा मुंडा जो थे वो सदा न्याय का पक्ष लेकर के खड़े हो जाते थे और न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे क्या करते थे, उनका बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, इसीलिए वे खूब बांसुरी बजाया करते थे। वे अपने से बड़ों को खूब आदर भी किया करते थे और बच्चों के प्रति उनका हृदय में गहरा प्यार था। अब हम लोग चलते हैं बिरसा मुंडा के कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य, बड़े होने पर खेतीबाड़ी करते थे और पशुओं को चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीना को पाप समझते थे। वे सबों को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हुए।
सभी उनका आदर करने लगे, इसलिए आदिवासी लोग इन्हें भगवान कहने लगे और ये बिरसा भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। तो बिरसा मुंडा के कार्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे वे खेती बाड़ी करने लगे और तो और वे पशुओं को भी चराने लगे। और उस समय भी बिरसा मुंडा जो थे वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शराब पीना को वे पाप समझते थे और भी वे बहुत सारी सीख देते थे। आदिवासी लोग जो थे वे इनके गुणों से बहुत प्रभावित हुए और उनका आदर करने लगे, इसलिए आदिवासी लोग जो हैं वो इनको भगवान कहने लगे और ये बिरसा भगवान के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। बिरसा भगवान जो हैं वो स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। अब हम लोग जानते हैं अंग्रेजों से संघर्ष के बारे में। जंगल की ठेकेदारी को लेकर के अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर, कौन सा पहाड़ी पर? माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया। बिरसा भगवान फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में ही उनकी मृत्यु जेल में 9 जून 1900 को हो गई। डेट आपको याद रखना है कि बिरसा भगवान का मृत्यु कब हुआ, 9 जून 1900 को हो गया। तो इस टॉपिक में, अंग्रेजों से संघर्ष टॉपिक में, हम लोगों ने देखा कि जंगल की ठेकेदारी को लेकर के अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो जाता है और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए वे आदिवासियों को संगठित करने लगे और माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच एक भयानक लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में आदिवासियों की हार होती है। आदिवासियों की हार इसलिए होती है क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे और आदिवासियों के पास सिर्फ और सिर्फ तीर धनुष थे, तो उनका हारना हथियार की कमी भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया और कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद वे जेल से छूट करके बाहर निकलते हैं और जैसे ही वे जेल से बाहर आते हैं वे फिर से विद्रोह कर देते हैं। आदिवासियों का नेतृत्व भगवान बिरसा ने ही किया। बिरसा भगवान जो है वो फिर से पकड़े जाते हैं और जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे 9 जून 1900 ईस्वी को अपना प्राण त्याग देते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपसंहार को। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। वे आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। तो उपसंहार में हम लोगों ने देखा कि बिरसा भगवान जो थे वो एक महान क्रांतिकारी थे और उन्हें धरती आबा के उपनाम से जाना जाता है। वे आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे और वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी लोग उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम सदा अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।